अभिजीत आगरकर ने किया। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, एक रन जरूर मिला मनीष को। अपने नेचुरल आक्रामक बल्लेबाजी खेले। विकेट पांडा ने इस गेंद को निकाला कवर क्षेत्र में, वन बाउंड सीधा चार, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, जिस दिशा में गेंद आई उसी दिशा में प्रहार। क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला यह स्ट्रोक था अमरेज खान, जिन्होंने इस ओवर की शुरुआत की थी। राहत की सांस ली होगी लास्ट 2022 ऑर्गेनाइज जागृति स्पोर्ट्स। और ये देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल हुए थे, टाइम नहीं कर पाए, फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे जरूर आए थे लेकिन गेंद उनके सामने गिरी, बाउंस लिया और नंबर मिले दो। नावाड़ी और गौर सही, लेकिन यहाँ पर गुणवत्ता के आधार पर लगाए गए ये बेहतरीन छह मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। मनीष यानी कि पांड्या की तरफ से 295वां ये छक्का था इस प्रतियोगिता का। काफी अच्छी जानकारी देते हुए हमारे साथी स्कोरर गायकवाड़, ब्लास्ट के माध्यम से हर तरह की सुविधा है। मेहमान कक्ष में एक एलईडी स्क्रीन लगाई जा चुकी है ताकि मेहमान चेस करने थे आसानी के साथ। पांडा टीम ने उन रनों का पीछा किया था, ये फुल टॉस थी लेकिन उतना अच्छा नहीं खेल पाए जिससे जितना अच्छा खेलने की उम्मीद थी इस खिलाड़ी से। रिवर्स दागने की कोशिश, कामयाबी तो जरूर मिली मनीष को लेकिन रन महज मिला सिंगल। एक ऐसी दुधारी तलवार होती है तो। और यह मनीष ने इस गेंद को जरूर खेला है, फाइन लेग क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है, दूसरा रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा तीसरा। 47 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात, अरे इतना मात्र एक जबरदस्त फटका मनीष च्या बॅट मधून निघालाय, मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधोमध जाणारा उत्तुंग उत्तुंग षटकार। पुन्हा एकदा लागोपाठचा हा दुसरा षटकार, याला म्हणतात फिनिशिंग टच। ओवी 11 बदलापूरला जो फिनिशिंग टच हवा होता तो देताना दिसतोय मनीष कोल्हेकर। एकोणसाठ धावा धावफलकावर लागल्यात और यह देखिए लगातार तीसरा। मैंने इसीलिए कहा था है तो छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन क्रिकेट में इन्होंने कारनामे ऐसे किए हैं और क्रिकेट में इनके अच्छे कारनामों की वजह से इनका कद मानो ऊंचा है इस खेल में। और इस मुकाबले में निर्णायक क्षण पर यह सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर आए हैं अंतिम क्षणों में।